Hello students, today in this video I will explain you exercise 9A. So in this exercise we will do the question based on decimal fractions. Decimal fractions means point wale jo number hote hain unko hum kya bolte hain, decimal. So first question, write the integral and decimal part. Aapko integral part likhna hai aur decimal part. A part question is 10.7. 10.7 इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं. ये कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है. नाउ वी हैव टू राइट इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट. तो आप दोनों अलग अलग लिखेंगे, इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट. इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है, इंटीग्रल पार्ट वो होता है जो पॉइंट से पहले होता है. पॉइंट से पहले क्या है, 10. सो इंटीग्रल पार्ट इज 10 और डेसिमल पार्ट क्या है, 0.7. 0.7 is the decimal part. Here also we will do same. C part 50.045. आपको integral भी लिखना है और decimal भी लिखना है. So integral part में क्या करना होता है, integral part में point के पहले वाला लिखना है आपको 50, और decimal part में जो point से शुरू होता है वो वाला decimal part होता है 0.045. So like this you have to do question number first. Now see question number second. Write as a common fraction. आपको क्या लिखना है, as a common fraction लिखना है. और आपको यहाँ given क्या है, point वाला number given है, 0.32 given है. और आपको fraction में लिखना है, fraction means upon में. तो point के बाद कितने number है, right hand पे आप ये count करेंगे. Point के बाद right hand पे two digits हैं. तो आपको क्या करना है, 32 के नीचे 100 लगाना है. 100 क्यों, 100 क्योंकि पॉइंट के बाद टू डिजिट्स हैं, इसलिए हमने 20 वाला नंबर लिया है 100. सो दिस इज द कॉमन फ्रैक्शन. व्हेन वी विल चेंज दिस इन फ्रैक्शन फॉर्म आंसर आएगा 32/100. हियर आल्सो वी विल डू सेम थिंग, कॉमन फ्रैक्शन में करना है एच पार्ट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, पहले आप ये देखेंगे पॉइंट के राइट हैंड पे कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4 फोर डिजिट्स हैं. तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटा देना है और अपॉन में क्या लगा देना है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आ रही थी, फोर डिजिट्स. तो वन के आगे 40 लिखेंगे, दैट मींस 10,000. तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल राइट हैंड पे पॉइंट के काउंट करनी है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. जितनी डिजिट्स होंगी दैट मच जीरोस यू हैव टू टेक इन द डिनोमिनेटर. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया एच पार्ट का. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन. आपको डेसिमल में लिखना है, इस तरह का दिया हुआ है और पॉइंट वाला आपको आंसर लिखना है. देखो ध्यान से, नीचे क्या है, 10. हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर देखा था राइट हैंड पे कितनी डिजिट्स हैं, उतनी जीरो नीचे ली थी. यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नीचे काउंट करेंगे हाउ मेनी जीरोज आर देयर. 10 में कितनी जीरो है, 10 है. तो आपको लास्ट से काउंट करना है और उतनी डिजिट पहले पॉइंट लगा देना है जितनी डिजिट्स जीरो होंगी, जितनी कितनी होंगी, जीरो. यहाँ पे कितनी जीरो है, ओनली 10 इज देयर. तो 27 लिखकर लास्ट से काउंट करना है आपको, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 1. तो लास्ट से 1 डिजिट पहले आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे. तो आंसर हो जाएगा 2.7. यहाँ भी ऐसे करना है, पहले आप नीचे डिनोमिनेटर में काउंट करेंगे कितनी जीरोज हैं, 1000. तो नंबर तो ऐसे ही लिखना है 36. नीचे डिनोमिनेटर में 30 हैं, तो पॉइंट भी आखिरी से काउंट करेंगे, लास्ट से. कितनी डिजिट पहले, जितनी जीरो है उतनी डिजिट पहले लास्ट से काउंट करना है. 30 है, 1 digit 2 digit. अब थर्ड डिजिट तो है ही नहीं, तो थर्ड डिजिट के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा. अब हो गई 3 digits, 1 digit लास्ट से, 2 digit 3 digit, और 3 digit पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे. तो आंसर हो जाता है 0.036. नाउ हेयर मिक्स्ड फ्रैक्शन इज गिवन. आप पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज करें, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे 1000 × 8 8000 में ऐड करेंगे 397, तो ये बनेगा 8397/1000. नाउ डिनोमिनेटर में काउंट करना है कितनी जीरो है, 3. तो लास्ट से 3 digit पहले पॉइंट आ जाता है. इस स्टेप में नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में करना है. तो नेक्स्ट स्टेप में आप पहले तो ये नंबर लिखेंगे 8
30 है, तो लास्ट से 3 डिजिट पहले आप क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे बिफोर 3 डिजिट्स, लास्ट से 1 2 3, तो इस 3 के पहले लेने के। सो फाइनल आंसर इज 8.397। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में आपका क्या लिखा, 7500। इसमें TH वर्ड आ रहा है, TH वर्ड, तो पहले आप इसे रफ में लिखेंगे 75/100। Why I have taken upon 100? जब भी TH आता है तो उसका मतलब होता है upon 100। अब आप इसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर आप इसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 75 को डिवाइड बाय 100, हाउ मेनी जीरो आर देयर, 2 जीरोस, तो आप लास्ट से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो आंसर आएगा 0.75। व्हाट इज आंसर, 0.75। अब जो पॉइंट के बाद जस्ट बाद वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है 10th वैल्यू। सेकंड वाली जो होती है पॉइंट के बाद राइट हैंड पे सेकंड वाली, वो होती है 100th वैल्यू। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, 10th में कितना आएगा, 10th में आएगा 7 और 100th में आएगा 5। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस ई पार्ट। नाउ सी जी पार्ट, 537000, इसमें भी टी एच है, 1000 में टी एच आ गया, तो यानी टी एच आने का मतलब है आपको डिवाइड में लेना है 537। आप इसको 537 1000th TH वर्ड का मतलब है आप डिवाइड में लेंगे 1000 को। नाउ यू हैव टू चेंज इन द डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, 30 है, 30 का मतलब लास्ट से 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, पहले नंबर लिखेंगे 537, लास्ट से 3 डिजिट 1 2 3, सो बिफोर 5 वी विल पुट द पॉइंट। ये वाली डिजिट होती है पॉइंट के जस्ट बाद जो होती है राइट हैंड पे, वो होती है 10th प्लेस, ये होती है 100th प्लेस, और ये वाली होती है 1000 प्लेस। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे, 10th में आपको क्या लेना है 5, 100th में आपको क्या लेना है 3, और 1000th में आपको क्या लेना है 7। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में आपका नंबर क्या है, 38.065। Here what you have to do, just now in these two question I had explained you, point के right hand पे जो पहली digit होती है वो होती है 10th, TH वाली, ये होती है 100, और ये होती है 1000। तो point के जितनी भी right hand पे digits आ रही हैं सब में TH लिखा हुआ है, ये वाली 10th, 100th, 1000th। पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे जो होती हैं उसमें आप यहाँ से काउंट करेंगे, ये होती है 1, ये होती है 10th, इसमें TH नहीं आता, पॉइंट के लेफ्ट हैंड वाले पे TH नहीं आता है। अब आप इसको यहाँ फिल करेंगे, डैश 10th, कितने 10th हैं 3, 1 में लेंगे 8, 10th में लेंगे 0, 100th में 6, 1000th में 5। So like this you have to do question number 5th. Now all of you see question number 7th. Write in decimal form. You have to write your answer in the decimal form. So first of all what you have to do, this one you have to write as it is, plus 3/10, we will change in decimal form, upon 10, how many zeros are there, 1 0, so we will put the point before one digit, so 3 ke pehle point lagayenge to ye ban jayega 0.3, plus upon mein hai 100, how many zeros are coming, 2 0, so we have to put the point before 2 digit, but upar to 2 digit hai nahi, upar hai 1 digit, to koi baat nahi, what we will do, we will take 5, aur second digit ke liye aapko kya lena padega 0, second digit jo nahi hai uske liye kya lenge 0। Now we have to take the point before 2 digit, 1, 2. So here we will take point. Now we have to add these 3 numbers. In order to add these 3 numbers, what you have to do? 1,
जिसमें पॉइंट नहीं होता है उसमें आप पॉइंट लास्ट में लेंगे। वन में पॉइंट नहीं है तो आप वन में पॉइंट कहाँ लगाएंगे, वन वन के आगे लगाएंगे, जस्ट राइट हैंड पे 1.000, एज मैनी जीरो यू वांट यू कैन ऐड। सेकंड नंबर है पॉइंट थ्री, तो आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट थ्री। नेक्स्ट इज 0.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 0.5। यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो जीरो। अब इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे 0+5 5, 0+3 3, 1 एज इट इज, तो आंसर आएगा 1.35। तो आप यहाँ लिखेंगे आंसर 1.35। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दिस इज 50+8, और 50+8 क्या होता है 58, सो वी कैन राइट हियर 58 प्लस 0/10। अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, सो नो नीड टू चेंज इट, वी विल राइट 0 प्लस 0/100। अगेन 0 को डिवाइड करना है 100 से तो आंसर तो 0 ही आना है। प्लस 5/1000, हाउ मेनी 0 आर कमिंग, 3 जीरोज आर कमिंग, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लेना है, एक है 5, बाकी 2 डिजिट्स कहाँ से लाएं, वो आप 0 लेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, अब हो गई 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स के पहले आप क्या लगा देंगे पॉइंट। अब आपको ऐड किस किस को करना है, 58 को और 0.005 को ऐड करना है। अब 58 में तो पॉइंट है ही नहीं, जिसमें पॉइंट नहीं होता है वहाँ पर पॉइंट लास्ट में लेते हैं, यहाँ बताया था मैंने आपको, तो 58 में पॉइंट कहाँ लोगे, लास्ट में 58 पॉइंट। आगे 0 आप लगा सकते हो अपनी चॉइस से, 3, 4, 0 से आगे करना है। इन 0 को ऐड करके कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि 0 तो कुछ भी नहीं होता है, तो नो नीड टू ऐड दी 0। आप ये वाला नंबर ऐड करेंगे 0.005, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेंगे आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.005, जो एम्प्टी स्पेस रह गई है वहाँ पर आप क्या करेंगे 0, और इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे 5, 0+0 0, 0+0 0, 0.8+0 8, 5+0 5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 58.005। सो हियर यू हैव टू राइट द फाइनल आंसर 58.005, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7C पार्ट। नाउ 8th क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड का मतलब होता है बड़ा करके लिखना, इसको बड़ा करके लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा है 9, तो ये 9 को आप ऐसे लिखेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, पॉइंट के जो राइट हैंड पे आता है उसमें हम डिवाइड में 10, 100, 1000 ऐसे लेते हैं, पॉइंट के जस्ट बाद वाली कौन सी प्लेस होती है, 10th प्लेस, TENTH, 10th प्लेस, तो इसको आप क्या लिखेंगे 6/10, 10th प्लेस को क्या लिखोगे 6/10। इसमें भी ऐसे ही करना है, पहले आप पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे देखेंगे, दिस इज 65, 65 को कैसे लिखेंगे, पहले 60 लिखेंगे अलग से, 60+5+ पॉइंट के आगे वाले जो नंबर हैं उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के आगे वाले में ये होती है 10th प्लेस, तो इसको लिखोगे 4/10, ये 100th प्लेस है, 100th प्लेस, तो 100th प्लेस के लिए करेंगे 2/100 प्लस, ये 1000th प्लेस है 5, तो यहाँ क्या लेंगे 5/1000, तो आप यहाँ आंसर कैसे लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे 60+5+4/10 +2/100+5/1000, तो ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू साइन। फर्स्ट पार्ट इज 0.25 एंड दिस इज 0.25, 0.25, 0.25, बोथ द थिंग्स आर सेम ओनली, यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये पॉइंट से पहले 0 ही है, तो दोनों क्या है आपस में, दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर। अगर
0.25 और आपका यहाँ पर होगा 25, पॉइंट नहीं होगा। तो 0.25 और 25 में कौन बड़ा है? 25 बड़ा है, तो आप ग्रेटर साइन इधर की तरफ लगा देंगे। नाउ दिस इज 113.14 एंड दिस इज 11.34। पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे देखो, पहले पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे 113 है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे 11 है, विच वन इज ग्रेटर? 113 बड़ा है, तो इसकी तरफ ओपन साइन बनाएंगे। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ 11th क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप लिखते हैं सबसे स्मॉलर नंबर, सबसे छोटा। तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखें, पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे सब में क्या आ रहा है? 5। जब पॉइंट के लेफ्ट हैंड में सब में 5 आ रहा है, तो आप इजीली नहीं बता पाओगे कि कौन सा इनमें से छोटा है, क्योंकि ये तो सारे क्या दिखाई दे रहे हैं? बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है? पॉइंट के नेक्स्ट डिजिट पे आ जाओ। पॉइंट के नेक्स्ट डिजिट फर्स्ट प्लेस पर है 8, फर्स्ट प्लेस पर है 0, फर्स्ट प्लेस पर 8, फर्स्ट प्लेस पर 0, पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पर 8। तो छोटी कहाँ पर आ रही है? यहाँ आ रही है छोटी। पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 है। अब इनके आगे वाली वैल्यू देखो, 0 के बाद क्या है? 8। यहाँ भी क्या है? 0 के बाद 8। अब 8 के आगे वाली वैल्यू देखो, 8 के आगे कुछ नहीं है, और वहाँ पर 8 के आगे 1 है, तो वो वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट प्लेस पर आएगा, और ये सेकेंड प्लेस पर आएगा। नाउ पॉइंट के आगे 0 वाले हमने ले लिए हैं, ये फर्स्ट पे हो गया, ये सेकंड हो गया। अब पॉइंट के आगे यहाँ 8 है, पॉइंट के आगे 8 है, पॉइंट के आगे 8 है, तीनों में पॉइंट के आगे फर्स्ट प्लेस पर क्या आ रहा है? 8। तो पॉइंट के आगे सेकंड प्लेस पर देखो, पॉइंट के आगे सेकंड प्लेस पर कुछ नहीं है, पॉइंट के आगे सेकंड प्लेस पर 1 है, पॉइंट के आगे सेकंड प्लेस पर 0 है। तो पॉइंट के आगे सेकंड प्लेस पर 1 है, ये तो बड़ा है, ये है 5.8। 8 के आगे कुछ नहीं है, तो 80 हो जाएगा, 5.80। ये है 5.801। तो कौन है छोटा? ये वाला छोटा है, तो ये 5.80 थर्ड प्लेस पर आएगा, ये आएगा फोर्थ प्लेस पर 5.801, और 5.801 के बाद आएगा 5.81। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 801। आपको डेसिमल की प्लेस एक एक करके चेक करनी है। वैसे 801 क्या दिखाई दे रहा है? ग्रेटर दिखाई दे रहा है, और ये वाला नंबर क्या दिखाई दे रहा है? स्मॉलर। लेकिन ये स्मॉलर नहीं है, दिस इज नॉट ए स्मॉलर नंबर, ये छोटा दिखाई दे रहा है बट है नहीं। आपको क्या करना है? आपको एक एक प्लेस चेक करनी है। पॉइंट के बाद 2 प्लेस देखो 80, पॉइंट के बाद 2 प्लेस देखो 81, तो ये तो बड़ी है और वो छोटी है, इसलिए फोर्थ नंबर पे आपका ये आएगा और फिफ्थ नंबर पे आपका ये आएगा। तो अब आप लिख देंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट नंबर इज 5.08, सेकंड नंबर 5.081, थर्ड नंबर इज 5.8, फोर्थ 5.801 एंड फिफ्थ 5.80। ये सारे नंबर्स कैसे हो गए असेंडिंग ऑर्डर में? 5.08, पॉइंट के बाद क्या है? 08, पॉइंट के बाद क्या है? 081। तो ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा। 5.8 का मतलब 5.80, 5.801, तो 80 छोटा है, 801 बड़ा है। अब दो प्लेस और ये भी दो देखेंगे, इन दो को ही कंपेयर करना है। पहले हमने कौन सी प्लेस देखी थी? पहले हमने देखी थी फर्स्ट प्लेस 8 8 8, फिर उसके बाद हमने देखी सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ सेकंड प्लेस पे क्या है? 0 0, सेकंड प्लेस पे 1, तो ये पड़ा है, तो 1 1। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 11। नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर, यू ऑल हैव टू फिनिश दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक।